नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज न्यूज। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर की थाना कोतवाली को मिली बड़ी कामयाबी। बंद ऑफिस में चोरी करने वाले अभियुक्त चोरी के माल, एक तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस सहित। पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देशानुसार थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध रोकथाम, चोरी की विभिन्न घटनाओं की रोकथाम एवं वांछितों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पुलिस क्षेत्राधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने आज शुक्रवार को बताया कि मंगलवार को अभिषेक गुप्ता पुत्र स्वर्गीय ब्रह्मानंद गुप्ता, जिला विघालय प्रशासक भारती फाउंडेशन 11 सी अभिनंदन साउथ सिटी शाहजहांपुर के बंद कार्यालय से 2 लैपटॉप चोरी हो गए थे, जिस पर कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजेश सिंह ने कार्यवाही करते हुए चोरी करने वाले अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त सचिन पुत्र स्वर्गीय जगदीश निवासी ग्राम मौजमपुर थाना कोतवाली को पुलिस की टीम द्वारा चादानपुर मोड़ से 20 कदम की दूरी पर चोरी के 2 लैपटॉप व 1 तमंचा व 2 कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है तथा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। कल दिनांक 23/6/2022 को थाना कोतवाली पुलिस शाहजहांपुर द्वारा एक चोरी के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सचिन है। इसकी आयु 25 वर्ष है। इसके कब्जे से 2 लैपटॉप और 1 तमंचा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत था। कल इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास है। इस पर चोरी और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसको जेल भेज करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।